हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आ गया हूँ मैं फिर से आपके लिए एक नए वीडियो लेकर। हम इस वीडियो में सिखाएंगे कि बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में फिजिकल स्टॉक क्या होता है, फिजिकल स्टॉक मेन्यू जो है उसमें क्या एंट्री की जाती है, कैसे एंट्री की जाती है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जब हम स्टॉक मेंटेन करते हैं, स्टॉक समझ रहे होंगे कि आप, जब हम कोई ट्रेडिंग अकाउंट करते हैं और उसमें आइटम वाइज स्टॉक रखते हैं हमें, तो कई बार क्या होता है कि हमारे स्टॉक में कई कई बार माल पड़े होते हैं पर हमारा सिस्टम शो नहीं करता है कि हमारे पास माल है। ये कई बार इंट्री अप डाउन होने के कारण, या कोई माल रिटर्न आ जाता है, कभी कोई वाउचर नहीं बनती है, कभी कोई सेल नहीं बनता है, कभी कोई परचेज इंट्री नहीं होती है, छूट जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास शो करते रहता है कि अगर हमारे में एक्चुअल में हमारे पास स्टॉक है बट हमारे सिस्टम में शो नहीं कर रहा है। कई बार होता है कि हमारे सिस्टम में स्टॉक तो शो कर रहा है लेकिन कि हमारे फिजिकल स्टॉक है नहीं, हमारे पास कोई स्पेसिफिक आइटम, कोई बहुत सारे आइटम हो जाते हैं ऐसे। ये धीरे 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 आपके सिस्टम को ख़राब कर देता है। बहुत सारी चीज़ें आपके सिस्टम में ऐसी आ जाएगी जो या तो सिस्टम में निगेटिव बैलेंस हो जाएगा, जैसे कि या जब आप इंट्री के सेल करते रहते हैं तो सेल काटते जाते हैं, उस टाइम में पता नहीं चलता है, बाद में पता चलता है कि हमने तो परचेस से ज़्यादा सेल कर दिया। तो कई बार आइटम निगेटिव आ जाती है हमारे बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, आइटम्स निगेटिव शो करते रहता है। और जैसे कि कोई स्टॉक है, 20 पीस स्टॉक है, लेकिन कि उसमें 20 पीस स्टॉक है बट हमारे पास 10 पीस ही है, तो हमारे पास क्या हुआ कि 10 पीस कम है। अब इन सब चीज़ों को ठीक कैसे करना है, अब इसको ठीक करने के लिए क्या कैसे करेंगे, क्या कैसे ठीक करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सिखाएंगे। तो चलते हैं हम अपने बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की ओर। अब आ जाते हैं हम ट्रांजेक्शन पे। ट्रांजेक्शन में सबसे पहला सेल है, परचेज है, सेल रिटर्न, पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल, कंट्रा, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, स्टॉक ट्रांसफ़र, स्टॉक जर्नल, मटेरियल इशू बाई पार्टी, मैसेज रिसीव फॉर पार्टी। अब ये आ गया फिजिकल स्टॉक। तो ये बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ट्रांजेक्शन में नीचे में ये फिजिकल स्टॉक के नाम से एक मेन्यू आती है, जो बहुत सारे यूजर्स होते हैं जो बीजी यूज करते हैं पर उनको पता नहीं होता है कि फिजिकल स्टॉक की इंट्री किस लिए है, ये फिजिकल स्टॉक क्यों इंट्री करते हैं, वो देख के छोड़ देते हैं। बट आप ये हमारा वीडियो देख के आप समझ जाएंगे कि फिजिकल स्टॉक जो मेन्यू दिया हुआ है बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, उसको कैसे यूज़ करना है। तो बातें ज़्यादा ना करते हुए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे फिजिकल स्टॉक मेंटेन करते हैं। तो चलिए हम इसको इंटर करते हैं, ऐड करते हैं। इसमें ऐड मॉडिफाई लिस्ट, जैसे ही और सारे वाउचर की एंट्री होती है वैसा ही हम फिजिकल स्टॉक की भी एंट्री करते हैं, सेम एज प्रोसेस करते हैं। अब हम यहाँ पे आ गए ऐड फिजिकल स्टॉक वाउचर, तो हम इसे वाउचर देंगे, एक वाउचर नंबर देंगे। आप एक देना है तो एक दीजिए, हमारे केस में एक वाउचर नंबर एंट्री इसमें इंटर्ड है तो हमें दो वाउचर नंबर देते हैं। कितने तारीख को आप फिजिकल स्टॉक मिला रहे हैं उस तारीख की डेट निकाल उस वो डेट निकालते हैं, डेट डाल देते हैं। जैसे कि हम 4/4/2020 को फिजिकल स्टॉक मिला रहे हैं। अब मटेरियल सेंटर क्या लेना है आपको, मेन स्टोर जो आपका स्टोर बना हुआ, आप अगर ज़्यादा स्टोर बना रखे हैं तो कौन सा स्टोर का है वो चीज़ चेक करना है। अब यहाँ पे नरेशन में लिख देंगे कि एज पर, आपको नरेशन में जो सूट करे कि एज पर, जैसे कि किसी मालिक ने कहा हो कि एज पर से द संजय सर, ये सर, उनके निगरानी में रखते हुए नरेशन में डाल देंगे कि हमने ये मटेरियल को ठीक किया है। कई बार क्या लोग करते हैं कि मटेरियल अगर निगेटिव में है तो उसको परचेज दिखा देते हैं, किसी और चीज़ से परचेज हो गया तो परचेज में बैलेंस आते रहता है, और जब कभी मटेरियल शॉर्ट एक्सेस हो जाता है हमारे पास तो उसको उतना पीस सेल करके हम अपने मटेरियल मिला लेते हैं। कई जगह ये लोग करते हैं लेकिन कि ये मेथड बिल्कुल ही गलत है। सेल परचेज करके अपना स्टॉक ठीक करना बिल्कुल ही गलत है, हम इसमें ये चीज़ नहीं करेंगे। हम ये स्पेशल दिया गया है, फिजिकल स्टॉक वाउचर दिया हुआ है इसके लिए, आप सेल परचेज एंट्री ना करें। कई बार होता है जीरो वैल्यू से सेल की एंट्री डाल देते हैं ताकि हमारा, अगर सपोज डेट हमारे पास 25 पीस है, हमने 25 पीस सेल कर दिया और हमारे पास
30 पीस बैलेंस शो कर रहा था, तो 25 पीस सेल कर दिया था, अभी भी हमारे पास 5 पीस एक्स्ट्रा, हमें हमारे पास बीजी अकाउंटिंग शो करेगा कि 5 पीस अभी आपके पास वो आइटम बचे हुए हैं, लेकिन कि हमारे पास एक्चुअली में वो आइटम है नहीं। तो क्या करते हैं उसको, एक सेल वाउचर ब्लॉक करके उसमें 0-1 रुपये की एंट्री डाल करके जैसे तैसे कर करके उसको ख़त्म कर देते हैं। तो आप वहाँ पे सेल पर्चे वहाँ ना डाल के आप ये फिजिकल स्टॉक में इसको एंट्री करें। फिजिकल स्टॉक में कहीं आप जैसे कि सेल की एंट्री डालोगे तो एक सेल वाउचर आपका लेगा, वहाँ पे सेल वाउचर लेगा, वहाँ पे आपको नंबर डालना पड़ेगा, आपको GST में चीज़ दिखानी पड़ेगी कि अगर 1 रुपये का भी सेल है तो 1 रुपये का सेल क्यों कर रहे हो आप, तो अगर 50 पीस है तो ये सब सारी बहुत सारी जवाबदेही हो जाती है जब हम आप सेल और परचेज ये दिखाते हैं। उसी केस में सेम परचेज में अगर हम दिखा देते हैं कि हमारे पास आइटम स्टॉक में पड़ा हुआ है लेकिन कि हमारे बीजी में शो नहीं हो रहा है, तो हम उसे शो करने के लिए किसी एक स्पेसिफिक वाउच लेजर बना लेते हैं, उसी में ये सारी चीज़ें सेल परचेज करते रहे। कई जगह मैं जब वर्क कर रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कई जगह ये सारी चीज़ें देखा हूँ मैं, तो इन सब चीज़ों को ना करें और उन सब चीज़ों को यार फिजिकल स्टॉक वाउचर में एंट्री करें। यहाँ पे नरेशन अपने अकॉर्डिंग डाल दे, क्रिएट वाउचर, आप अब यहाँ पे जैसे ही आप इन करोगे ये यहाँ पे हाईलाइट हो गया। अब यहाँ से हमें आइटम सेलेक्ट करना है, आपको जो आइटम सेलेक्ट करना है, मान लीजिए कि हमारा ये जो है 0.75 स्क्वायर मीटर सिंगल कोर का जो हमारा 4 यूनिट बचा हुआ है, तो हमें इसको स्टॉक में भी आ रहा है 4 यूनिट, हमारे पास बचा हुआ है मान लेते हैं 10 पीस बचा हुआ है, हमारे पास 10 पीस बचा हुआ है यहाँ, तो 400 कर रहा है, तो हमें 6 और बढ़ाना पड़ेगा। फिजिकल स्टॉक में कितनी है वो चीज़ हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हमारे पास 10 है, हमने 10 डाल दिया 10। अब ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे बुक स्टॉक कितना, 4 पीस हो गया, बुक स्टॉक 4 पीस, डिफरेंस 6 पीस, हमारे पास फिजिकल में कितना 10 पीस है और बुक में 4 पीस है, तो ये ऑटोमेटिक 6 पीस ले लिया यहाँ पे, ये इन सब कॉलम में ऑटोमेटिक अमाउंट भर लिया। अब चलते हैं दूसरे आइटम की ओर, मान लेते हैं कि ये 1 स्क्वायर PVC वायर हार्नेस ये जो है ये हमारे पास 0 बैलेंस, अभी हमारे बीजी में ये 0 बैलेंस शो कर रहा है, लेकिन कि अभी हम अपना स्टोर चेक करते हैं तो वहाँ पे हमें 10 पीस मान लेते हैं 200 पीस आ रहे हैं, तो हम ये 200 पीस डाल देंगे, तो ये अब क्या हो गया, बुक स्टॉक इतना हो गया, इतना हो सकता है ये डिफरेंस क्यों आते हैं, जब धीरे धीरे परचेज सेल करते रहते हैं तो कई बार ये चीज़ें अप एंड डाउन हो जाती है, कभी आइटम नहीं डलते ढंग से, या कभी बिना बिल बनाए हुए हमने किसी को दे दिया, हमने बिल नहीं बनाया, बिना हमारे पास माल आ गया, जैसे हम कच्चे पे माल खरीद लिए उसको पक्के में नहीं दिखाए, तो कई बार ये चीज़ें हो जाती है और हमारे डिफरेंस ऊपर नीचे आ जाता है, कई बार पार्टी रिटर्न कर जाती है लेकिन कि हम अपने सॉफ्टवेयर में रिटर्न की एंट्री नहीं करते हैं, तो ये सब सारी समस्या आने लगती है हमारे स्टोर में और हमारे शॉपकीपर में जो भी है। तो हम यहाँ 200 आ गए, अब मान लेते हैं दूसरे आइटम की ओर चलते हैं। अब देखिए ये हमारा आइटम -55 पीस दिखा रहा है, लेकिन कि मान लेते हैं कि ये आइटम हमारे पास 0 है, तो हम इसको क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अब ये देखिए क्या हो गया, 55 पीस हमारा प्लस हो गया -700। तो अगर कोई निगेटिव है तो उसको भी हम पॉजिटिव में कर सकते हैं, अगर कोई 0, अब जैसे कि हमने यहाँ पे आपको उसको 0 करने का दिखाया, जैसे कोई निगेटिव आइटम है, मैं निगेटिव लेता हूँ ये, जैसे ये आइटम फिर से, ये तो सेम आइटम, जैसे ये आइटम निगेटिव है हमारे पास 1400 पीस इतना, अगर हम इसको पॉजिटिव करना है, मान लेते हैं 20 पीस है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं फिजिकल स्टॉक में 20 पीस, ये देखिए आपको उससे रिलेटेड 1421 ये आ गया, 1421 हमने यहाँ पे आइटम प्लस कर लिया ये सब सारी चीज़ें। अब इससे क्या होगा कि अब हमारा जो भी मटेरियल स्टॉक होगा, जो भी हमारा स्टॉक देखेंगे हम, तो सारे आइटमों का स्टॉक हमें सही और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमारे बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से मिल सकता है। इसी तरीके से मान लेते हैं इतने सारे आइटम हैं, ये 0 पीस है मान लेते हैं, फिर से आपको मैं ढंग से समझाने के लिए मैं इतनी सारी एंट्री करके दिखा रहा हूँ, ये फिर 0 पीस है, मान लेते हैं हमारे पास 20 पीस पड़े हुए हैं हमारे स्टॉक में, तो हमने यहाँ पे 20 डाल दिया, यानी कि जो फिजिकल स्टॉक है हमें वो डालना है, इसमें प्लस माइनस ऑटोमेटिक ले लेगा, और अगली बार से जब भी हम उसका स्टॉक देखेंगे आप ये
ये चारों का आप देखिएगा, जब भी हम स्टॉक होगा तो ये 10 पीस होगा, ये इन चारों को आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आपको आगे दिखाएंगे कि ये इन चारों को हमने एंट्री करी थी, ये चारों हमें वहाँ पे दिखाएगा कि ये स्टॉक अभी कितना दिखा रहा है। ये जितनी हम सारी एंट्री डाले हैं यहाँ पे प्लस माइनस करके, 10 पीस, 200 पीस, 0 पीस, 20 पीस, 20 पीस, ये सब आपको स्टॉक में दिखाएगा। अब इसको देर ना करते हुए मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट एंट्री, इसको करते हैं सेव। ये सेव ले रहा है, ये देखिए हमारा ये सारी चीज़ें सेव हो गई। अब हम आप दिखाते हैं आपको उस आइटम का बैलेंस क्या है। इसके लिए हम चलेंगे बैक, अब जाएंगे स्टॉक डिटेल में, देखिए हमने इसमें डाला था 0.75 square mm सिंगल कोर में 10 पीस डाला था। अब ये हमारे पास स्टॉक बैलेंस जो दिखा रहा है 10 पीस दिखा रहा है। इस तरीके से हमने 3-4 आइटम सेलेक्ट किए थे, तो आपको वो चारों आइटम ढूंढ के देखना है कि हमने जो डाले थी एंट्री वो ठीक है। तो इसी तरीके से आपने इस वीडियो में सीखा कि फिजिकल स्टॉक की एंट्री कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। तो हमारा वीडियो यहीं तक है, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।